स्वर माधुरी पेज नंबर 4 पर आप सभी क्लास वर्क डेट लिखिए। ठीक है, चलिए। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंक से अंगूर, आहा से कुछ नहीं। अब मैं देखूंगी कि आप संचयन और शिवांश किसको अच्छे से स्वर की पहचान है। चलिए, संचयन, ये पहला वाला क्या है, आप मुझे बता के पढ़ के बताइए। अ से अनार क्या है? वेरी गुड। अब शिवांश, शिवांश आप मुझे बताइए बेटा, ये दूसरा वाला क्या है? चलिए चलिए शिवांश, शिवांश चलिए बेटा। आ से आम, वेरी गुड शिवांश। इसके बाद फिर संचयन, संचयन ये क्या है बेटा? छोटी ई से इमली, आप क्या कहेंगे? छोटी ई से इमली। अब शिवांश आप मुझे बताइए ये वाला क्या है? शिवांश व्हाट इज दिस बेटा, ये वाला क्या है? शिवांश कम ऑन बेटा, स्पीक अप। वेरी गुड संचयन, एंड आई थिंक शिवांश इज हैविंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट, उसके बाद संचयन ये वाला क्या है? अगला वाला, वेरी गुड। उसके बाद बड़ा उ से, उसके बाद ये वाला क्या है? वेरी गुड। इसके बाद ये वाला क्या है? गुड। उसके बाद ये, गुड। उसके बाद ओ से, नहीं बेटा ओ से ओखली, ओ ओ, हाँ। उसके बाद क्या है? उसके बाद औरत, ना औरत, औ से औरत। शिवांश प्लीज टर्न ऑन द कैमरा, आई वुड रिक्वेस्ट शिवांश गार्डियंस टू प्लीज टर्न ऑन द कैमरा सो दैट आई कैन सी द चाइल्ड एंड मेक हिम डू द एक्टिविटी। आप थोड़ा कैमरा ऑन कर दीजिए, मैं शिवांश की मदर को रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज़ कैमरा ऑन कीजिए ताकि बच्चे को देख पाऊँ मैं और उसे अच्छे से सिखा पाऊँ। हेलो, अंग से अंगूर, बहुत अच्छे संचयन। उसके बाद आहा से कुछ नहीं, वेरी गुड। अब यहाँ पढ़ेंगे, चलिए पेज नंबर 5 को पढ़ेंगे। संचयन, शिवांश कैन यू हियर मी? संचयन एक मिनट बेटा, शिवांश आई कैन सी शिवांश इज देयर इन द क्लास, बट शिवांश विल यू प्लीज टर्न ऑन द कैमरा
Shivansh, please turn on the camera. चलिए संचयन, ये क्या है? पहला वाला. वेरी गुड. उसके बाद वाला? बहुत अच्छे. उसके बाद? बहुत अच्छे. ग से गमला. उसके बाद? बहुत अच्छे. उसके बाद? बोलो बोलो बोलो. अंगा. चलिए उसके बाद चौसे. बहुत अच्छे. उसके बाद छे छतरी. छतरी या फिर आप छाता भी कह सकते हैं. उसके बाद क्या है? जैसे. बहुत अच्छे. उसके बाद? उसके बाद यस. उसके बाद ये अंगा. तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये वाला. ये वाला. ये वाला. ये क्या है? और एक यह है. लास्ट वाला जो है वो यह है. ठीक है. चलिए उसके बाद ट से. बहुत अच्छे. ठ से. बहुत अच्छे. फिर ड से. फिर ढ से. बहुत अच्छे. ठठेरा. ये शिवांश आ गए. चलिए शिवांश, अब आप मुझे बताइए. ये वाला बहुत सारे संचयन ने बताया. अब आप मुझे बताइए ये वाला क्या है. चलो बेटा ये वाला. ये वाला अणा. अणा ये देखो. ये वाला बेटा. यह वाला अणा. अणा हाँ. उसके बाद क्या है शिवांश? उसके बाद क्या है? बहुत अच्छे. अब संचयन आप मुझे बताइए ये वाला क्या है. बहुत अच्छे. थ से थर्मस. उसके बाद शिवांश द से क्या है? द से क्या है बेटा? बहुत अच्छे. वेरी गुड. द से दबात. उसके बाद संचयन ध से. बहुत अच्छी. ध से धनुष. और शिवांश उसके बाद वाला क्या है बेटा? ये कौन सा अक्षर है मुझे बताइए. ध के बाद क्या आता है? ध के बाद क्या आता है? न से नल. बहुत अच्छे. न से नल. इसके बाद प से. संचयन प से. बहुत अच्छे. संचयन को बहुत पसंद है पतंग. उसके बाद चलिए शिवांश थ से बेटा. आपको पसंद है ना फल? फल खाना पसंद है? हाँ. मुझे लगता है आपको नहीं पसंद है. आप नहीं खाते हो ठीक से. खाना होगा बेटा. ठीक ठाक से खाना पड़ता है. चलो फल वगैरह अच्छे से खाना चाहिए. चलो ब से. संचयन ब से क्या होगा? बहुत अच्छे. अब इसके बाद शिवांश आप मुझे बताइए ब के बाद वाला अक्षर कौन सा है? भ से भगत. बहुत अच्छे. भ से भगत. इसके बाद संचयन म से. यस. म से मछली. और य से क्या होगा शिवांश? य से क्या है? यज्ञ. य से
यज्ञ, बहुत अच्छे। र से संचयन, र से रथ, बहुत अच्छे, र से रथ। और ल से शिवांश, ल से क्या है बेटा? ल से लट्टू, लड्डू खाने वाला होता है और लट्टू घुमाने वाला होता है, ठीक है? तो ल से लट्टू, और लड्डू अगर कहते हैं तो वो आपको खाना होगा, ठीक है? चलिए उसके बाद व से संचयन, व से वक, बहुत अच्छे संचयन। उसके बाद श से, श से, ये वाले श से क्या होता है शिवांश? शलगम, ये एक सब्जी है, शलगम, ठीक है? श से शलगम। ये देखिए यहाँ पे तीन चार प्रकार के स हैं, एक ये, एक ये, एक ये। ये है शलगम का श, ये है षटकोण का श, और ये है स। इसे हम श कहते हैं, इसे स कहते हैं, इसे श कहते हैं। श सपेरा, स से सपेरा, ठीक है? तो शलगम का श, षटकोण का श और सपेरा का स। चलिए अब आप मुझे बताइए शिवांश, ये क्या है? ह से क्या है? ह से क्या है बेटा? वेरी गुड, ह से हल। अच्छा हल कौन चलाता है शिवांश? हल कौन चलाता है आपको पता है? हल कौन, हल से कौन काम करता है आपको पता है? हल से संचयन को पता है? हल से कौन काम करता है संचयन? हल, हल, हल से कौन काम करता है? हु आर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट? कौन काम करता है हल से? वो तो सेंटेंस हो गया बेटा, ये तो वाक्य हो गया, हल से वाक्य हो गया। हल इस्तेमाल कौन करता है? अच्छा आप जो रोटी चावल खाते हैं वो कौन उगाता है? रोटी चावल सब्जी कौन उगाता है? कृषक, कृषक, फार्मर। और हल जो है ये किसान का यंत्र है, किसान अपने खेत को हल से जोतते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारा देश जो कि कृषि देश है, कृषि देश है, कृषि पर आधारित है, हमारा ज़्यादातर आय कृषि पर आधारित है, लेकिन इट्स वेरी सैड कि हमारे बच्चों को हल कौन चलाता है ये नहीं पता है, राइट? हल फार्मर्स चलाते हैं, कृषक चलाते हैं, किसान, देश के किसानों का यंत्र है ये। हमारे देश के किसान इस हल से अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं फसल के लिए, तब जाके गेहूं चावल उगता है और उस गेहूं चावल से रोटी चावल बनता है और हम सब अपना पेट भरते हैं। लेकिन हमारा पेट भरने वाला जो हाथ है वो कौन से यंत्र से काम करता है ये बच्चों हमें नहीं पता। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स से पूछिए, प्रश्नों को पूछिए, ये मम्मी मैंने पढ़ा लेकिन ये कौन इस्तेमाल करता है, ये मैंने देखा, ये किसका है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रश्न कीजिए। जितने आपके ज़्यादा प्रश्न होंगे उतने ही ज़्यादा हमें उत्तर देने होंगे, और जितने आपके उत्तर बढ़ेंगे उतना ही आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, जीके बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। अपनी आसपास के चीज़ों को देखिए और बहुत सारे प्रश्न कीजिए, ठीक है? आज से करोगे बच्चों? यस और नो? यस, ask questions to your teachers, ask questions to your parents, प्रश्न करो। हम robots नहीं हैं, हमें जो भी बता दिया गया ठीक है मैम, ठीक है मम्मा, नहीं हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम पूछेंगे। यू
ये क्यों है, ये कैसे है, ठीक है। चलिए इसके बाद है श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय, क्षत्रिय याने जो लड़ाई करने वाले होते थे, ठीक है। जब राजाओं का युग चलता था तब चार अलग अलग श्रेणियां होती थी। एक ब्राह्मण श्रेणी होती थी, एक क्षत्रिय श्रेणी होती थी। ब्राह्मण पढ़ाते थे, आचार्य ये सब जो थे वो ब्रह्म ज्ञान जिसको था, जो पढ़ाते थे उनको ब्राह्मण श्रेणी में दिया जाता था। जो लड़ाई करते थे, अपना प्राण देश के लिए दे देते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। श से क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम था देश की सीमाओं का रक्षण करना, ठीक है। वो लड़ाई करते थे। और भी दो श्रेणियां हैं, वो मैं आपको, एक है जो बिजनेस करते थे, वाणिज्य, और एक श्रेणी था जो अब हमारे समाज में नहीं है और हम उसके लिए डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो क्षत्रिय जो हैं आज के लिए वो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री। दे कैन बी पुलिसमैन, दे कैन बी सोल्जर्स, दे कैन बी आर्मी ऑफिसर्स, दे कैन बी एयरफोर्स ऑफिसर्स, दे कैन बी नेवी ऑफिसर्स, दोज हु आर गिविंग देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री, जो हमारे देश के लिए प्राण देते हैं, उन्हीं को हम क्षत्रिय कहते हैं। आज के दिन, आज की, यस बेटा संचयन, मैं सुन नहीं पाई, यस। तो आज के दिन, आज के युग में जो देश के लिए प्राण देता है, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देता है, वही हमारे लिए क्षत्रिय है, ठीक है। चलिए इसके बाद है त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, ठीक है, त्रिश, वेरी गुड संचयन शिवांश। त्र से त्रिशूल, अच्छा त्रिशूल किसके हाथ में देखा है आपने? संचयन आप मुझे बताइए पहले, त्रिशूल किसके हाथ में देखा है आपने? कभी देखा है किसी के हाथ में त्रिशूल देखा है? यस, लॉर्ड शिवा। और शिवांश आपने त्रिशूल किसके हाथ में देखा है? शंकर भगवान, यस। शंकर भगवान के अतिरिक्त हम माँ दुर्गा, राइट, अम्बे, इनके हाथ में भी त्रिशूल देखते हैं। त्रिशूल किसका प्रतीक है? त्रिशूल प्रतीक है बुराइयों पर अच्छाई की जीत का। त्रिशूल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मारामारी करने के लिए, वो प्रतीक है कि जब जब बुराइयाँ बढ़ेंगी तब तब भगवान हैं जो बुराइयों का दमन करेंगे। हमेशा आप अच्छे काम कीजिए, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, ठीक है। जो अच्छे काम करते हैं, जो सच बोलते हैं, जो कभी किसी को धोखा नहीं देते, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा जीत उसकी ही होती है, सच की ही होती है। तो त्रिशूल होता है प्रतीक बुराई पर अच्छाई की जीत का। त्र से त्रिशूल, त्र से क्या है? त्रिशूल, बहुत अच्छे। अब चलिए इसके बाद है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। अच्छा ये ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी कौन होते हैं? जिसने बहुत सारी पढ़ाई की है उसे ज्ञानी कहेंगे हम? कहेंगे जिसने बहुत सारी पढ़ाई की है? यस, संचयन इज टेलिंग, यस मैम। और शिवांश का क्या मानना है? शिवांश ज्ञानी, यस शिवांश, ओके। तो जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, जिसने बहुत सारी पढ़ाई की है, वो ज्ञानी नहीं होता बेटा। जिसके पास ज्ञान मतलब होता है जो वो चीज़ जो मनुष्यता दिखाए, जो अच्छे बुरे में अंतर करना सिखाए,
और जो अच्छे बुरे में अंतर कर सके उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। किसे ज्ञानी कहा जाता है? जो अच्छे धर्म और अधर्म, अच्छे और बुरे में अंतर करना जानते हैं, उसे सच मान्य में ज्ञानी कहा जाता है। अगर हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं लेकिन हम डॉक्टर इंजीनियर बन गए, ठीक है, फॉर सपोज मैंने बहुत सारी पढ़ाई की और मैं डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बनने के बाद जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है मैंने उसका भी ऑपरेशन कर दिया, तो मैं ज्ञानी हुई? यस। बहुत सारा पढ़ाई करने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वो होता है जो अच्छे बुरे धर्म अधर्म, या फिर आप कह सकते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका अंतर कर पाए। अगर वो फर्स्ट क्लास में नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस इंसान को ये पता है कि देश के लिए अच्छा करना है, मम्मी को हेल्प करना है, मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, तो वो बच्चा है ज्ञानी। लेकिन अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं लेकिन मम्मी से अगर झूठ बोलते हैं, पापा से अगर झूठ बोलते हैं, तो ये बच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान बटोर रहे हैं लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकते। चलिए नेक्स्ट, श्रमिक। वेरी गुड। जो श्रम बहाता है, श्रमिक किसे कहते हैं? जो श्रम बहाता है, श्रम मतलब जो मेहनत करते हैं। यस, ये वेरी गुड। जो मेहनत करते हैं उनको कहा जाता है श्रमिक, और उनका पहला अक्षर है श्र, श्र से श्रमिक, और उसके बाद है डैरा ढैरा। ये दोनों जो अक्षर हैं इन, यस संचायन, डैरा यस और ढैरा से, हाँ चलिए ढैरा से पढ़। लेकिन ये डैरा और ढैरा से, अण से, अंगा से और इ से कभी कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता है। ये अक्षरों के बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन इन अक्षरों से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने स्वर का रिविशन किया, आज हमने व्यंजनों का रिविशन किया, आज हमने व्यंजनों में मिलने वाले कुछ शब्दों को जो हम प्रेप से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं है कि ये अक्षर किस लिए हम पढ़ रहे हैं, क्यों ये जो चित्र दिए गए हैं ये किन के हैं, तो आज मैंने थोड़ा सा उनको टच किया, उसको छू कर हम निकले हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम जो भविष्य में पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं वो है क्या। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझ कर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? समझ कर पढ़ना है। चलिए फिर से मेरे साथ बोलिए, समझ कर पढ़ना है। वेरी गुड संचायन, कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन क्लैप फॉर योर सेल्फ, दोनों अपने आप के लिए क्लैप करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, और अगले क्लास में हम अपनी राइटिंग पार्ट्स फिर से शुरू करेंगे व्यंजनों के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक आप स्वर और व्यंजन को अच्छे से बार बार पढ़िए, उन ध्वनियों को अच्छे से सुनिए और अच्छे से उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन समझ समझ कर पढ़ना है। ठीक है, बाय बाय।